हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि घर पर मैनीक्योर कैसे करें। अगर आपके नाखूनों में नेल पॉलिश लगी है तो मैनीक्योर शुरू करने से पहले आप पहले उसे हटा दें। अपनी पुरानी नेल पॉलिश को हटाने के लिए नॉन एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवल और कॉटन पैड का इस्तेमाल करें। हालांकि एसीटोन युक्त नेल पॉलिश रिमूवल तेज़ी से काम करता है, लेकिन इससे आपके नाखूनों को नुकसान भी हो सकता है। अगर आप महीने में एक से अधिक बार नेल पॉलिश रिमूवर का उपयोग करते हैं तो नॉन एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर का उपयोग करना बेहतर होता है। हम फिर सेकंड नंबर पर हम करते हैं, हम अपने नाखूनों को काट लेंगे और उनको आकार देंगे। अपने नाखूनों को ट्रिम करने के लिए नेल क्लिपर्स का इस्तेमाल करें, उन्हें बहुत छोटा ना करें। फिर नाखूनों को आकार देने के लिए नेल फाइलर का उपयोग करें। अगर आप सिंपल रखना चाहती हैं तो गोल किनारों के साथ चौकोर आकार के नाखून या साधारण गोल नाखून सबसे अच्छे हैं। अब फिर हम अपने नाखूनों को और हाथ को पानी में भिगो लेंगे। यह मैनीक्योर का सबसे आरामदायक भाग है। एक बड़ा कांच का कटोरा लें, इसमें गर्म पानी से भरे। इस पानी में एक क्लींजर मिलाएं और अपने हाथों को कुछ देर के लिए डुबा कर रखें। ध्यान रहे पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि गुनगुना हो, नहीं तो आपके हाथ जल भी सकते हैं। जब क्यूटिकल्स पानी में भीगते हैं तो वो मुलायम होते हैं। ऐसा करने से हाथों, उंगलियों और नाखूनों की गंदगी दूर हो जाती है। गंदगी को निकालने के लिए आप नरम नेल ब्रश का उपयोग करें। नाखूनों के नीचे खुरचना ना भूलें। फिर हम क्यूटिकल क्रीम लगाएं। अपने नाखूनों और हाथों को पोंछ लें। फिर नाखूनों पर क्यूटिकल क्रीम से मालिश करें। इसके बाद क्यूटिकल पुशर की मदद से क्यूटिकल को धीरे धीरे पीछे करें। इन पर ज़्यादा दबाव ना डालें, क्योंकि इससे क्यूटिकल्स ज़्यादा पीछे चले जा सकते हैं और आपके नाखूनों को नुकसान हो सकता है। इससे आपके नाखूनों में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। जब एक बार क्यूटिकल साफ हो जाए तो अपने नाखूनों से अतिरिक्त क्रीम को हटा दें। अगर आप क्यूटिकल क्रीम का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप क्यूटिकल हटाने के लिए क्यूटिकल रिमूवर लगा सकते हैं। फिर हम अपने हाथों पर मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। उन्हें नमी देने के लिए हम अपने हाथों को मॉइस्चराइज़र का उपयोग करेंगे। इसे आप चाहे तो मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले 30 सेकंड तक गर्म पानी को में भिगो सकते हैं। फिर हम नेल पॉलिश के लिए अपने नाखूनों को तैयार कर लेंगे। अगर आपके नाखूनों पर अधिक मॉइस्चराइज़र लगा हो तो नेल पॉलिश आपके नाखूनों पर नहीं चिपकेगी। ऐसे में आप ज़्यादा मॉइस्चराइज़र को पोंछ दें एक कॉटन पैड की मदद से। फिर हम आप एक पतला बेस कोट लगाएं। बेस कोट के रूप में आप एक ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश का उपयोग कर सकते हैं। कॉस्मेटिक दुकान में ये आसानी से मिल जाती है। यह आपके नेल पॉलिश को अच्छे से चिपकने में मदद करता है, साथ ही ये नाखूनों को नेल पॉलिश से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। इसके अलावा बेस कोट नेल पॉलिश को लंबे समय तक टिकने में मदद करता है। फिर हम अपने नेल्स पर नेल पॉलिश लगाएंगे। नेल पॉलिश सूखने के बाद हम उस पर टॉप कोट यूज़ करेंगे। एक बार आपकी नेल पॉलिश सूख जाए तो उसके ऊपर टॉप कोट लगाएं। तो प्लीज़ बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।